आज के इस वीडियो में हम 22 अगस्त से 28 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते था। इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बनेंगे। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने पुलिस और वन्य विभाग में मौजूदा कोटे की तर्ज पर सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार ने बास्केटबॉल को राज्य के खेलों में रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्केश कुमार शर्मा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया है। इस पैनल का स्थापना इंटरनेट के रणनीतिक और जरूरतमंद मुद्दों के निपटने के लिए की गई है। यूएन के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सदस्य देश 193। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बे वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरबा छत्तीसगढ़ से राजानंद गांव नागपुर के बीच तक। 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से तथा नागपुर के राजानंद गांव के बीच चलाई गई, जो रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इस परीक्षण के दौरान 295 डब्बे में 27,000 टन से अधिक कोयला लादा था और इस ट्रेल मालगाड़ी ने 295 वैक्स को लेकर करीब 267 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इंडियन रेलवे के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वी के त्रिपाठी, आर पी एफ एस के महानिदेशक संजय चंद्र हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य ने शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा भारत की में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई के कार्यक्रम की सफल शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन से दवाई सप्लाई की उड़ान सेवा पूर्वी कोमेंग जिले में सेप्पा से च्वेंग ताजो तक शुरू की गई है। इस सेवा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में संदूरबन क्षेत्रों में स्थित गांव में ड्रोन के जरिए आसानी से दवा पहुंचाई जा सकेगी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। मुख्यालय, इसका राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला NIDAN नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली। निदान, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नैरोको ऑफेंडर्स। इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंडा देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराध का इतिहास, आपराधिक का निजी
जानकारी उंगलियों के निशान अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकती है। निदान इसके बारे में जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानकारी इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिर्देशक सत्यनारायण प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां सभी राज्यों गांव के लोगों को अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया गया है। गांव के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों को दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के 85,156 घरों को नल कनेक्शन के माध्यम से पानी पीने योग्य पहुंच गया है। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1919 को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और तजिकिस्तान। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और तजिकिस्तान और अन्य देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का नेतृत्व रूस करेगा। उद्देश्य, इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों को सेनाओं के बीच व्यावहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना, भाग लेने वाले दलों के बीच रणनीतिक सहयोग के स्तर को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यपालिक अधिकारी कौन बने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुज पोद्दार। अनुज पोद्दार बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1938 को हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कमल नयन बजाज है। इसकी पेरेंट कंपनी बजाज ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक वातानुकूलन बस का कहां उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई, महाराष्ट्र। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल 2022 नामक एक पहली भारत की डबल डेकर इलेक्ट्रिक वातानुकूलन बस का निर्माण किया है। यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलन बस है। एक बार चार्ज करने पर यह 250 किलोमीटर तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 9 जनवरी 1839 को फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के जोसेफ नाई स्फोर और लुइस डोंगर ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। इस दिन को याद करने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत भूषण देव चौधरी। भारत देव भूषण देव चौधरी असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने राजीव कुमार बोरा का स्थान लिया है। असम लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। मुख्यालय गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन में पुलिस अधिकारी, सुरक्षा व्यवसायी और विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से
एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस खेल श्रेणी के तहत भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश वर्मा। राजेश वर्मा भारत की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं, या कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का नियुक्त किया गया था। पिछली टॉप नियुक्तियों, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ पीयूष गोयल बने हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग सुरेश एन पटेल बने हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष हिमांशु पाठक बने हैं, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित बने हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेलीफैक्स, कनाडा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हेलीफैक्स में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन से सभी देश पारस्परिक हित और संसदीय सहयोग के मामले पर चर्चा करने के लिए अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारतीय संसद के दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रेडियो है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, पहला रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्यारत स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समाज के विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारत स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना शुरू की है। रथ स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम रूपाला। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप एक बाजार मंच है जो जल कृषि क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों को मछली के बीज, चारा, दवाओं आदि जैसे कच्चे माल और मछली के लिए आवश्यक सेवाओं के स्रोत में जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजना के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रमाणता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्तारा। नागर विमान मंत्रालय द्वारा जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार भारत में 10.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ विस्तारा दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। तीन शीर्ष कंपनी है, पहले में एयर एशिया 95% के साथ, दूसरे पे विस्तारा 89% के साथ और तीसरे पे गो फास्ट 84% के साथ। विस्तारा के बारे में जानकारी, विस्तारा भारत की एयरलाइन कंपनी है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में। अध्यक्ष भास्कर भट्ट है। सीईओ विनोद खन्ना है। गेस्ट कंपनी टाटा सन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मच्छर दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 अगस्त। वर्ष 1897 में भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के सर्जन सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की खोज की थी। उनके जीवन रक्षक कार्य को सम्मान देने के लिए विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फेस से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा। भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फिर से एमडी एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा बने हैं। पेटीएम के बारे में जानकारी, पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण गरीब परियोजना की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 36। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गोथान को आजीविका का केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम वर्ष में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकोर जिले में बना है, जहाँ जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी नयापुर और रतन नगर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश ए.के. गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रांची झारखंड। ग्रामीण उद्यमी परियोजना एक अनूठी बहु कौशल परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड के 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। वर्तमान में यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। पिछले बदले का नाम नवी मुंबई एयरपोर्ट का नया नाम डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे का नया नाम उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा हो गया है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नया नाम गो फास्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर के चेनानी नासोरी सुरंग का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड नई दिल्ली। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी को यह पुरस्कार सिंगापुर में आयोजित एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 के 13वें संस्करण में मिला है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार एशिया की उन शीर्ष पायदान कंपनियों को दिए जाते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन किया हो। एनटीपीसी के बारे में जानकारी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत की यह सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र। इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और निजी फर्म KPIT लिमिटेड ने विकसित किया है। इस बस में हाइड्रोजन ईंधन सेल वायु का इस्तेमाल कर बिजली उत्पन्न करता है, जिससे बम को शक्ति मिलती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस विकसित करने का उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करना और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला
पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। गृह मंत्रालय तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हिमाचल पुलिस के सहयोग के इस सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिला पुलिस अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाना तथा उनकी समस्या और चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना के बीच आयोजित हुआ है। यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखला जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरों से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारी में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतिम पंघाल। हरियाणा के अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मैच में कजाकिस्तान के एटलिन सोगियोव को 8-0 के विशाल अंतर से हराकर यह पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 अगस्त। इस दिवस को मनाने की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने साल 1988 में की थी। यह दिवस हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान, अधिकार और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा देता है। किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी एनडीटीवी में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। मीडिया कंपनी एनडीटीवी के 29.18% शेयर अडानी ग्रुप ने अपने एक सहयोगी कंपनी के जरिए अप्रत्यक्ष तरीके से ले लिए हैं। साथ ही 26% शेयर के लिए ओपन ऑफर भी जारी कर दिया है। अडानी ग्रुप के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 28 जुलाई 1988 में हुई थी। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। चेयरमैन गौतम अडानी और इसके सीईओ करण अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुलिस टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। भारतीय पुलिस पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में जापान ने फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुई गई। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की है। शंघाई सहयोग संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में। सेक्रेटरी जनरल बालमदीर नवेरोव है। इसके महासचिव झांग मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचड़े से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की पुराई के बाद बचे हुए अवशेष से जाइलिटोल नामक चीनी के एक सुरक्षा विकल्प के उत्पादन करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड समर्थन किण्वन विधि विकसित की है। यह नई विधि संश्लेषण के रासायनिक तरीकों की परिचालन सीमाओं से परे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एचडीएफसी एग्रो।
जनरल इंश्योरेंस मुंबई, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग ईवी लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन मालिक की जरूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना, इसमें तेजी लाना है। HDFC ईग्रो जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, इसके MD एंड CEO रितेश कुमार है। टैगलाइन, टेक इट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला पत्रकार ने विज्ञापनात्मक रिपोर्टिंग और कमेटी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फहमिदा अजीम। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमिदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्होंने यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहाँ सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांदीपुर, उड़ीसा। VLSRSAM, इसका फुल फॉर्म वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। VLSRSAM मिसाइल के बारे में, इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है और यह करीब 12.6 फीट लंबी है। VLSRSAM मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इस मिसाइल को आपातकाल की स्थिति में किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम दुरोई स्वामी। विक्रम दुरोई स्वामी इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने। इन्होंने गायत्री इस्सर कुमार का स्थान लिया है। इंग्लैंड के बारे में जानकारी, इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में स्थित है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रीय मंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी थेम्स नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्वीस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दीक्षित जोशी। दीक्षित जोशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्वीस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। इन्होंने डेविड मेथल्स का स्थान लिया है। क्रेडिट स्वीस के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1856 में हुई थी। इसके संस्थापक अल्फ्रेड एल्सर है। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके CEO उल्ड्रिच कॉर्नर है। पिछली टॉप अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने हैं। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख अक्षय ताने केमो बने हैं। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष अलवारो लॉरिसो बने हैं। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख अगस्त्य ताने केमे बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद बने हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर, कर्नाटक। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है जापान।
जापान ने इस प्रतियोगिता में कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। पुरुष की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत 112 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, वहीं महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत 160 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। पदक तालिका में टॉप 3 देश के नाम, पहले पे जापान, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे अर्जेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज टूर्नामेंट FTX प्रो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे। मैग्नस कार्लसन ने और प्रज्ञानंद के टाई ब्रेक ने अपना अंतिम मैच हारने के बाद बावजूद FTX क्रिप्टो कप जीत लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि फ्रांस के अली रेजा फिरोजा तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में शिक्षा के स्तर को बेहतर और ऊंचा करने के लिए अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर शिक्षा टाउनशिप विकसित करने की जिक्र की जा रही है। इस टाउनशिप में छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा व विभिन्न तरह के कौशल विकास प्रशिक्षण एक ही जगह उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था के दो नए निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवाशीष मोहंती। वरिष्ठ वैज्ञानिक देवाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था के नए निर्देशक बने हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्थापना 24 जून 1981 हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासा यूएसए। आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना चाहता है, एक महिला या एक पुरुष। इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की महिला को चांद पर उतारा जाएगा। नासा का यह कार्यक्रम 3 घंटों में बटा है, जिसके तीसरे हिस्से में साल 2024 में ऑस्टोमिस 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। इसका उद्देश्य आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा अपनी नई प्रौद्योगिक क्षमता और व्यापार दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहता है, जो अंततः भविष्य में मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए आवश्यक होंगे। नासा के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अध्यक्ष बिल नेंसन है। इसका मोटो, बेनिफिट द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष की गतिविधि पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गढ़वाल उत्तराखंड। अंतरिक्ष से धरती की परिक्रमा कर रहे 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तुओं पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। इस वेधशाला का निर्माण अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी दिंगतारा द्वारा किया जाएगा। अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में मदद करेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और इस क्षेत्र में मंडराने वाले सैन्य उपकरण उपग्रह भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिरीक्षण सशक्त बल न्यायाधिकरण नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। यह
संगोष्ठी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के रूप में आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, भूतपूर्व सेनाओं, उनके परिवार और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवा को जल्द से कम खर्चों में न्याय सुनिश्चित करना और न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना है। सशक्त बल न्यायाधिकरण के बारे में। सशक्त बल न्यायाधिकरण भारत के सशक्त बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायाधिकरण है, जिसका उद्घाटन 2009 में किया गया था। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल है, जो ब्लैक कैडेट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक MA गणपति है। टॉप नियुक्तियां, राष्ट्रीय नियुक्तियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष तपन कुमार डेका बने। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन बने। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक नकर गुप्ता बने। सशक्त बल के महा निर्देशक SL थाउसोड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ के कुकरेल वन में बनाया जाएगा। भारत में 13 अब तक ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। यह एक ओपन चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए हल्की रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्यटक ओपन जीप से रात के वक्त जानवरों को देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त। यूनेस्को द्वारा दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए 23 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस दिन 1791 में सेंटो टेमुडो में एक विद्रोह शुरू हुआ था, जिसमें ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन ने हिमालय से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनेस्को के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके महासचिव आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साहित्यकार को उनकी हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवंत अनमोल। विभिन्न भाषाओं के 23 लेखकों की कृति को वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की है। हिंदी भाषा में यह पुरस्कार विशिष्ट साहित्यकार क्षमा शर्मा को उनके कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानी के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहां शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संचोर, राजस्थान। हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी ने गोवर्धन योजना के तहत राजस्थान के संचोर में अपना पहला गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन गाय के गोबर का उपयोग मोटर वाहन के रूप में किया जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म इसकी HPCL,
इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसके सीएमडी पुष्प कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यह बैठक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद आदि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आजादी क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय और सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन लर्निंग गेम सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के जरिए देश के उन हीरो के बारे में बताना है जिन्होंने देश की आजादी विकास में सहयोग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फरीदाबाद हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह अस्पताल 600 करोड़ रुपए की लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बना है। अमृता अस्पताल का निर्माण माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा किया गया है। प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वोलोमिर जेलेंस्की। वोलोमिर जेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस के अत्याचार के खिलाफ यूक्रेन के लोगों की रक्षा और उनकी बहादुरी के इसके नेतृत्व के लिए प्रदान किया जाएगा। लिबर्टी मेडल पुरस्कार 1988 में अमेरिकी संविधान के द्वितीय शताब्दी को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो दुनिया भर के लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना ताकि कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार ला सके। नागालैंड के बारे में जानकारी, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसकी राजधानी कोहिमा है। इसके मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट एवं हॉकी सहित 6 खेल शामिल होते हैं। इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्देश्य ग्रामीण खिलाड़ियों को खोज कर आगे लाना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहन करना, खेल भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनवी सुंदराचारी। डॉक्टर एनवी सुंदराचारी को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर एनवी सुंदराचारी न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा के प्रमुख हैं। फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क के उपचार के क्षेत्र में काम करता है। पिछले टॉप पुरस्कार प्रतिष्ठित वोल्ट जम मादा पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक धार है। जेनिसी प्राइवेट 2022 अल्बर्टा भोला को मिला है। अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 रिजवान हसन को मिला है। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे
किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।